सुजानपुर टीहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर की विजय रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्य बाजार से रैली निकालकर शीतला माता मंदिर तक रैली निकाली। उन्होंने ऐतिहासिक चौगान में पटाखे करके खुशी प्रकट की है। सुजानपुर टीहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनुराग ठाकुर की विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्य बाजार में रैली निकालकर शीतला माता मंदिर तक जुलूस निकाला। उन्होंने ऐतिहासिक चौगान में पटाखे करके खुशी प्रकट की। वही उन्होंने बताया कि सुजानपुर की जनता ने भाजपा का साथ देकर हमीरपुर क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दिया है। वही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर द्वार पहुंचकर धन्यवाद करेंगे और सुजानपुर मेरू के विकास कार्यों में तीव्र गति पकड़ेंगे। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री अंकुश गुप्ता, सुजानपुर शहरी प्रधान अध्यक्ष सुधीर भटनागर, पूर्व पार्षद सरवन अंबिका शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, नगर परिषद उप प्रधान कमलेश कुमारी, पूर्व नगर परिषद प्रधान जीवन ऋषि महाजन सहित राजेंद्र फौजी सहित अन्य के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। की जनता को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे एस टुडे के चैनल के माध्यम से? मैं सुजानपुर की जनता का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे जो 6 के 6 बूथ थे, उन्होंने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लीड दी है और एक ऐतिहासिक जीत आज सबके सामने आई है। और जो लोगों ने अपने मन से मोदी जी के नाम से वोट डाले हैं, हम मोदी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। यही सुजानपुर वासियों का संदेश रहेगा। सर, जो सुजानपुर में जो आज अनुराग ठाकुर को भारी मत से जीत मिली है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सारा सुजानपुर वासियों की तरफ से यही कहना है कि जो आज सुजानपुर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, ये इनका अपना एक जो अनुराग ठाकुर जी थे, लोगों को उनके अंदर मिलनसारी थी, एक उनका अपनापन था और जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विकास करवाए, वही एक ऐसा कारण रहा कि लोगों ने एक तरफ होके वोट डाले और आज भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। सर, क्या सुजानपुर में विकास कार्य आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? आने वाले दिनों में ढेर सारे विकास कार्य देखने को मिलेंगे। पहले भी अनुराग ठाकुर जी ने बहुत विकास कार्य करवाए हैं और आगे भी बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद रहा है, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। सर, सुजानपुर में जो के अंदर ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है, सुजानपुर शहर की जनता ने, विशेषकर सभी वार्डों ने बहुत अच्छा मतदान कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जीत सुनिश्चित की है। और ये जो जीत है, ये मोदी जी, अनुराग जी और धूमल जी के जो कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं, जनता को जो घर मिले हैं, गैस इत्यादि जो महिलाओं को मुफ्त में मिली है, किसानों को जो 2-2 हज़ार की किस्त आई है, और भी कई विकास कार्य जो हुए हैं, आज उस विकास कार्य के ऊपर ये मोहर लगी है। मैं सभी शहरवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, जो इतिहास में पहली बार सुजानपुर से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी लीड जो मिली हुई है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश जनता को देना चाहोगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत विश्वास किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जनता को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर शहर के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है। हमारे नेता भी, अनुराग जी भी इस क्षेत्र में, धूमल जी इस क्षेत्र में विकास करवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और मैं जनता को उम्मीद दिलाता हूँ कि सुजानपुर शहर का विकास आने वाले समय में हर हाल में होगा। सर, जो अनुराग ठाकुर की जीत हुई है, उसका जश्न आप किस तरह से मनाओगे? आज हम जश्न पटाखों के रूप में, लड्डू खिलाने के रूप में और सभी शहर के अंदर घर घर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग वोट मांगने गए हैं, उसी प्रकार से हम घर घर जाकर लोगों का धन्यवाद भी करेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है।